किस वक्त एक मीटिंग हुई है? G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ बाली में। नहीं, मिस्टर वैंग और मिस्टर जयशंकर की तरफ से, और उसका एक अहम ऐलान जो वहां पे कि अर्ली कॉल फॉर अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ LAC। आप क्या देख रहे हैं कि क्या चाइना और भारत करीब आ रहे हैं या उनके आप कॉन्फ्लिक्ट को दूर होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त चाइना पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। जो इंडिया को हर क्वाड में जो अमेरिका साथ रखता है, चाइना उसकी वजह से थोड़ा सा घबराया है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी तरफ से भी प्रेशर इंडिया पर क्रिएट करने से कासर है इस वक्त। तो इस वक्त भारत जो है वो जो मर्जी करे, और उनका जो इस वक्त जो लद्दाख के में आज चाइना बैठ रहा है, जो कश्मीर को वो शोकेस करना चाहते हैं, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट राइट नाउ। उसमें मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा शॉक होगा कश्मीर काज को। इट विल बी अ बिग शॉक फॉर द पाकिस्तान। IMF अब ये कह रहा है कि आप जो है उससे कोई लोन ना लें, मतलब ये है कि आप CPEC को बंद करें, जो ट्रेड है चाइना के साथ वो खत्म करना चाह रहा है। सर कौन सी ट्रेड? चाइना ने तो सब कुछ गिरवी रखा हुआ है हमारा। लेकिन क्या अगर इस तरीके से मामला चलते रहे और दोनों जो कंट्रीज है उन्होंने अपने रिजॉल्व कर लिए इश्यूज, तो फिर क्या आप नहीं समझते कि चाइना और पाकिस्तान के बीच जो है वो कुछ ऐसा मसला क्रिएट हो सकता है? सर एक बड़ा अहम मामला ये हुआ कि पहले हमने देखा, हम बात कर लेते हैं लद्दाख के मामले पर, G20 समिट के हवाले से एक ऐलान ये हुआ इंडिया की तरफ से कि पहले तो ये कहा था कि कश्मीर, उसके बाद जब पाकिस्तान और चाइना की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ इसके ऊपर और चाइना ने कहा कि वो शायद नहीं शामिल होगा, इस तरह की बात हुई, तो फिर उन्होंने एक और ऐलान किया और उन्होंने कहा कि अब हम लद्दाख में भी करवाएंगे। अच्छा, इसी के साथ इस वक्त एक मीटिंग हुई है G20 समिट से पहले, जो एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वो बाली में हुई, नहीं मिस्टर वैंग और मिस्टर जयशंकर की तरफ से, और उसका एक अहम ऐलान जो वहां पे ऐलान कह रहे हैं या जो बातचीत हुई है जो LAC है, इसके ऊपर कहा गया है कि अर्ली कॉल फॉर अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ LAC। आप क्या देख रहे हैं कि क्या चाइना और भारत करीब आ रहे हैं या उनके आप कॉन्फ्लिक्ट को दूर होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त चाइना पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। अमेरिकन जो उन्होंने 2-3 क्वाड बनाए हैं इंडो पैसिफिक के हालात से बनाया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, दूसरा पिछले दिन उन्होंने एक और क्वाड जिसमें उन्होंने I2 और U2 जिसमें किया इजराइल और इंडिया और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके बाद यूनाइटेड अरब अमारात। चाइना उसकी वजह से थोड़ा सा घबराया है। चाइना एक तो आपको पता है शंघाई जो है दोबारा लॉकडाउन में गया और इकोनॉमिक देख रहे हैं वो। जो इंडिया को हर क्वाड में जो अमेरिका साथ रखता है, तो चाइना के अंदर एक ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि चाइना के साथ रिलेशनशिप बेहतर किए जा सके। तो अगर दो और दो जमा करें, जो भारत के अंदर से भी ये आवाजें आती हैं कि चाइना के साथ रिलेशनशिप ठीक किए जाए, और दूसरा चाइनीज जो अपने अमेरिकन प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए भारत के साथ इस तरह के एग्रीमेंट कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त नॉन एक्टिव फैक्टर है अपने पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। किसी तरफ से भी पाकिस्तान को प्रेशर इंडिया पर क्रिएट करने से कासर है इस वक्त। तो इस वक्त भारत जो है वो जो मर्जी करे, और उनका जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज अ फुल टाइम डिप्लोमेट है, वो एक एक दिन में 4-4 मुल्कों के दौरे कर रहा है, और भारत की पोजीशन जो है वो जो उन्होंने एक एक दुनिया में पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की है टू बिकम अ रीजनल पावर, इस ये सारी उसकी कामयाबियों के उनके समरात हैं। जो लद्दाख के में आज चाइना बैठ रहा है, जो कश्मीर को वो शोकेस करना चाहते हैं, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट राइट नाउ। उसमें मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा शॉक होगा कश्मीर काज को। इट विल बी अ बिग शॉक फॉर द पाकिस्तान। और जिस तरह पहले आपको मैंने पहले भी कहा था कि G20 की मीटिंग जो है वो लद्दाख में रखेंगे या चाइना में रखेंगे, और उसके बारे में भारत के अखबारों में मैंने बड़ा बहुत पढ़ा है कि वो शोकेस करना चाहते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उस एरिया में, और दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये पॉलिटिकली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कश्मीर, पीपल आर पीसफुल। सो इट विल बी अ बिग शॉक फॉर द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि आपके इंटरनल हालात इतने खराब हैं। G20 की जो इस वक्त प्रेसिडेंसी है वो इंडोनेशिया के पास है, और G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ बाली में। भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनकी मुलाकात भी हुई सेक्रेटरी ब्लिंकन से, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन का वही जो है भारत को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रूस के साथ जो आप ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो ना करें, और भारत, लेकिन वो भारत की पोजीशन अब बड़ी क्लियर है कि वो जो है US के प्रेशर में नहीं आने वाला। और साहिब साहब, इसमें ये भी हुआ कि इससे पहले PM मोदी की तरफ से जो है वो कॉल की गई दलाई लामा, हम तो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते रहते हैं जो कुछ हो रहा है वहां पे, देखिए
कि इससे पहले हमने देखा कि ब्रिक्स में जो है वो चाइना ने पाकिस्तान को इंडिया के कहने पर नहीं बुलाया, लेकिन क्या अगर इस तरीके से मामला चलते रहे और दोनों जो कंट्रीज है उन्होंने अपनी रिजॉल्व कर लिए इश्यूज, तो फिर क्या आप नहीं समझते कि चाइना और पाकिस्तान के बीच जो है वो कुछ ऐसा मसला क्रिएट हो सकता है? भारत और चाइना अपने रिलेशनशिप ठीक कर लेते हैं तो आप अपनी भारत की दुश्मनी किसको बेचेंगे फिर? क्योंकि आप तो सिर्फ भारत की दुश्मनी कैश कराते हैं चाइना से, इससे आगे तो कुछ भी नहीं उनके साथ। वो सिर्फ बेचारे आपका बॉर्डर साथ होने की वजह से ब्लैकमेल हो जाते हैं, वरना अगर देखा जाए तो मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, कई दफा मैंने पूछने की कोशिश की कि पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ भी कुछ अच्छा बुरा करने की पोजीशन में है? मेरा जवाब है नहीं। IMF अब ये कह रहा है कि आप जो है उससे कोई लोन ना लें, मतलब ये है कि आप सीपेक को बंद करें। सीपेक के जरिए आपके 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने हैं जिसमें कि सारी दुनिया की इंडस्ट्री आनी है, पाकिस्तान में लाखों जॉब्स जनरेट होनी है, पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स बन के पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होने हैं। आपके पास एक ले दे का चाइना रह गया है जो आपको लोन्स भी देता है, आपको इमदाद भी देता है, आपको टेक्नोलॉजी भी देता है, आपको ट्रेनिंग भी कराता है। सिर्फ $1 अरब के जो टॉफी दिखाकर आपको, और वो जो है सारा आपके जो ट्रेड है चाइना के साथ वो खत्म करना चाह रहा है। और अगर आपने चाइना से जो है खत्म कर दी तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का तो मुस्तकबिल ही कोई नहीं है। सर कौन सी ट्रेड? चाइना ने तो सब कुछ गिरवी रखा हुआ है हमारा, सब कुछ तो मॉर्गेज कर दिया है, चाहे मोटरवेज हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, लेकिन साथ साथ यही है कि चाइना कोई हमारा दोस्त भाई या इस तरह का कुछ नहीं जो कहा जाता है, वो बिजनेस कर रहा है और उसमें उसको घाटा हो रहा है।